साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। इस समय पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम इंद्री विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले गांव बदरपुर की, जहां पर आपको बता देते हैं ये गली में आपको दिखा रहा हूं, ये नाली आप देख सकते हैं जो गांव की नाली है, इसके अंदर क्या है कि गांव का जो पानी की निकासी बाहर होती है, लेकिन ये नाली आप देख सकते हैं कितनी नीचे गहरी जो है जमीन में धस चुकी है, जिसके कारण जो है लोगों के मकानों में, लोगों की दुकानों में जो पानी है वो जाता है जी। और गहरी आप देख सकते हैं लगभग, अगर मैं बात करूँ तीन से चार फीट अगर लगभग देखा जाए, ये देखो कहाँ लग जा रही जी। तो ये गहरी है। तो गांव वालों का फोन आया था, मेंबर पंचायत हमारे साथ, उनका फोन आया था कि ऐसे करके सरपंच से हमने बात की थी, सरपंच से बोला था दिखाइए एक बार, ये गहरी देखो जी, ये देखो जी 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 जी, यहाँ काल नहीं है जी, हरेक गली काल है जी। अच्छा, हरेक गली के जी, हरेक गाँव में जितनी भी गलियां है ना जी, किसी की उसमें गवा ले, उसमें घर में जी, कितनी बार मना व्हाट्सएप पर गेली, कितनी बार स्पेशली सरपंच से वो रिक्वेस्ट, ग्रुप में भी डाल लिया आपने कई बार, भी डाल रखी, दिखाओ एक बार ग्रुप, दिखाओ ग्रुप में भी डाल लिया, सरपंच से बात हुई थी इसके रिगार्डिंग आपकी, कई बार बोल दिया मेरे को, ये बोलता है ये स्कीमा कहाँ से लाता है कहा तू, उसके बाद मेरे को आज भी धमकी दी है, सुनाता हूँ आपके सामने, ये देखो सरपंच साहब के सामने मैंने बात करी, अब सुनियो उसने क्या कहा मेरे को, ये सुनियो, ये सुनो देखिएगा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रिकॉर्डिंग आपको सुनाई है जी, गांव में कुछ भी काम बोल लूंगा मैं बिल्कुल ही दम क्या देता है जी, तेरी एफआईआर करा दूंगा डीसी को, तेरी वो कंप्लेंट करवा दूंगा, तू तेरे को सस्पेंड करवा दूंगा जी। गांव में ऐसे हाल हो रहे जी, बहुत बुरे तरीके से जी, सारे गांव का नाश मार दिया जी, बस जब बनने से पहले तो होती है जी, भला भाई एक बार बना दूंगा, गांव का विकास करवा दूंगा, गांव का विकास करवा दूंगा, ये आपके सामने विकास है जी। क्या बोल रहे हैं सरपंच, क्या बोल रहे हैं फिर? सरपंच साहब ने मेरे को धमकी दिया है जी, भला भाई जो ज्यादा वो करेगा ना मेरे इस मामले, मान ले कुछ भी हो रहा गाँव में जो तू बोल रहा, भाई तेरे को सस्पेंड करवा दूंगा मैं। अच्छा अच्छा, काम अगर काम के लिए बोलेंगे तो सस्पेंड करा देंगे। मौके का मेंबर हूँ जी। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 3 है जी मेरा। क्या नाम है आपका? विकास मेरा नाम है जी। जी जी जी। तो ये कब से टूटी हुई है, कब से टूटी हुई है ये? तो मान ले चलो आज टूटी जी। हाँ जी, आज टूटी, पर बाकी नीचे का पानी यही नहीं पता कहाँ कहाँ लग जा रहा, सारी की सारी है नी, सारी नालियां देख लो, कौन सी मर्जी नाली देख लो आप, सरपंच तो आगे से धमकी देता है जी, ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने भी फोन पे बात करने की कोशिश की है, बल्कि उनको तो समाधान के लिए बोला गया था, लेकिन वो तो आगे से कुछ और ही बोलते हुए नजर आते हैं। यही तो मेन रोड है। तो ये राजनीति का घमंड होता है क्या बंदों के? बिल्कुल जी बिल्कुल, एक बार ही होता है, बोला भाई मेरे को तो कई बार ये बात बोल दी गई है, 5 साल के लिए बन गया हूँ, कुछ भी काम नहीं होने का गांव में। अच्छा अच्छा, किस लिए बनाया गया फिर सरपंच, किस लिए बनाया? बस ये नहीं पता उसकी क्या उसमें रही, क्या नहीं रही। जी 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 भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इस समय पर, जो ये गलियां आप भी देख सकते हैं, एक बार देखिएगा हालात के समय पर, क्या ये सरपंच का काम है, किसका काम है? काम तो सर सरपंच का ही है। हाँ, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए छोटी सी बेसिक सी चीज, और उनको फोन करते हैं आते हैं तो उल्टा चिल्लाते हैं, वो ऐसे इसलिए बनाया था क्या जब वोट लेते हैं गांव में? नहीं, अगर ऐसा कह रहे हैं तो गलत है। गलत है ना, बोल रहे हैं कि ऐसे कंप्लेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है कि दीवार नियम में पानी मर के ना, तो दीवार भी गिर सकती है। जी जी, तो आप देख सकते हैं गाँव के लोग हैं बिल्कुल। तो आपकी बात हुई है वैसे आपसे हुई थी सरपंच की बात? मेरी तो कोई बात नहीं। जी जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या पूरा मामला बताएंगे एक बार?
भाई साहब नालियां वह पानी मरा जी काफी टाइम हुए, तो मैंने एक दो बार सरपंच साहब से मैंने भी कहा क्योंकि मेरी साथ में दुकान है जी, यहाँ पानी मरा जी। मैंने एक दिन रोक कर भी दिखाया था, सरपंच साहब ने बोला था भाई मैं करा दूंगा, लेकिन आज क्या हो कब की बात हो जब आपने बोला था, कितने दिन हो गए? 12 दिन हो गए भाई साहब। अच्छा अच्छा, उन्होंने बोला था मैं करा दूंगा। अब मैंने आज उनका फोन करा, मगर सर अच्छा इस तरह से करके बात होगी, राम की बात है जी, मगर एक बार बोला करा देंगे, रेस्ट की समस्या तो रेस्ट दवा देगा। अच्छा, अभी गांव का सरपंच है तो सरपंच काम करा होगा ना। अब हम तो अभी नाली बन जाओ, क्या दिक्कत है सरपंच का, ये सरपंच का काम है भाई, काम भाई इन असुविधाओं से सुध हो। प्यासा सरपंच का ग्रांट है री भारतीय तो है री, जिन्हें अपने पता कुछ नहीं लाना, गांव में राम दुखी है। एक बात बताओ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा दुकान तक गुजारा चल रहा है, मेरी न्यू बैठ गई, हमने थोड़े दिनों मकान बनाए थे, पता नहीं किस तरह बनाई थी, इतने इतने भीड़ है जिन वो नालियों की परेशानी है, मकान मार पर बने जी अटका, या तो यूं अभी हमारी जिम्मेवारी ले ले, मेरे मकान गिर जाएगा हम तेरे बनवा देंगे, इतनी भीड़ है जी, अरे किस बात जिस तरह वो नहीं अभी अपने मकान बनाए देगा, हमने हर बार कहा जी, लेकिन कोई किसी की सुनता, राजनीति वाला माहौल ज्यादा बन रहा जी, तो हम कुछ नहीं कहना चाहते, मतलब ये अभी नाली बनवा दे, ये बाप के सामने अभी आप फोन पे देखो क्या आदम की थी, क्या कर रहे थे वैसे, उन पापा ही फोन करते, मैं चाचा इस तरह से करके जो नाली मैंने आपको दिखाई थी उस समय इतनी एक टांग की भीड़ है, तो उन्होंने मेरे से बोला भाई मैं बनवा दूंगा, रित्त की समस्या है जी, जैसे ही आप आई बीट आपने तो दिखानी है न्यूज के बाद तुमका है, उन आपके सामने देखो मैं फोन में क्या बात कही, बोले तो यू कह वास्ता बुलाया, मेरा क्या कसूर है, मैं गांव का नागरिक हूँ, कसूर है मेरा, बिल्कुल मेरा आधार कार्ड कटवा दो भाई साहब जी 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 जी, तो समस्या है सरपंच को ही बोली जाएगी और किसको बोली जाएगी, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण कुमार, आप देख सकते हैं पास में इनकी बिल्कुल दुकान है और सरपंच को फोन किया गया था, और ये तो बेसिक सी चीज है, कोई बाहर का कोई मंत्री एमएलए नहीं है, बेसिक सी चीज है तो वैसे भी दिखाई देनी चाहिए, और इसके बाद आप देख सकते हैं पहले ही बाढ़ से लोगों का काफी नुकसान हो चुका है, और अगर ये मकान आज के टाइम में इतने महंगे बनते हैं कि आप देख सकते हैं, लेकिन सरपंच के द्वारा उल्टा आरोप लगाए जाते हैं, धमकाया जाता है, ये यहाँ के सरपंच के हाल है। सरपंच का नाम क्या है? पवन कुमार नाम है जी। क्या कहना चाहेंगे, ये जो आपको नाली दिख रही है क्या ठीक है ये? क्या कहना चाहोगे, जो नाली टूटी है आप ही की गली है ये? मेरा मकान है जी। अच्छा, तो मेरा मकान है। अच्छा, आपका मकान है ये वाला? मेरा मकान है जी जी जी। दो तीन महीने से ऐसे चल रहा है, कहे पंचायत से कहे सरपंच से कहे कोई कार्रवाई नहीं, आप गोवा की चतानी है नहीं, कहीं भाग रहे हैं, कहीं भाग रहे, नुकसान मरा ही रहा। अच्छा अच्छा, तो आपने सरपंच को बोला, क्या कहता है सरपंच, क्या कहता है? करवा देंगे, किसने करवाना थी अपनी राजनीति में जरिए, अपना मेंबरों के लड़ाइयां में जरिए जी जी, कभी किसी से धमकी दे रहे, कभी कर रहे हैं, अब भी वो तो बहुत लाउडली बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, कंप्लेंट कर देंगे, अच्छी बात है किसी की? ये अच्छी बात देख रहे हैं आप, जब वोट ले सिर्फ तना तनाई वाली बात है, बस पहले अपना लड़ाइयां छेड़ रखी जी 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 जी। क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमार है। राजकुमार जी, तो आप देख सकते हैं तमाम जो ग्रामीण है वो, आंटी जी क्या कहना चाहेंगे, कब से टूटी है आपकी ये नाली? अच्छा अच्छा, तो कब से टूटी हुई है आपकी नाली ये? तो आज ही देखी, वैसे तो पानी तो स्मार्ट में नहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो सरपंच से बात हुई है आपकी? सरपंच से हुई थी बात? आता नहीं, अभी फोन करके भी बोला था वो, क्या कह रहे थे? जी जी, मेंबर साहब और कौन है, मेंबर कौन सा पंचायत को और दूसरा परिवार से कई बार बोल दिया जी, कुछ भी आगे से धमकी दी जाती है, तेरे को सस्पेंड करवा दूंगा, तेरा कहना नहीं मानने का, चल मन्ना क्या कहना मनवाना, गांव का विकास है जी, तो गांव का विकास में काम करना और करना चाहिए, गाँव वार्ड ने बना दिया ना किसी के लिए, ये नहीं है इसमें असल मान लिया, बदमाशी दिखाने वाली बात हो रही, एक तरीके से बदमाशी वाली बात। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बदरपुर गांव की, सरपंच से हमने बात करने की कोशिश की थी लेकिन सरपंच जो है वो कहीं ना कहीं चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय पर बदरपुर गांव से, मेरी आप सभी साथियों से अपील रहेगी इस खबर को शेयर करिएगा, और सरपंच से भी निवेदन रहेगा कि भाई साहब ये गाँव की राजनीति है, आप लोगों को चुन करके भेजा जाता है, बड़े आस करके आप लोगों को सरपंच पंच बनाया जाता है, फिर भी लोगों के काम नहीं हो पाते, एक बिल्डिंग बनाने में बहुत खर्चा आता है, तो ये कम से कम इनका जो कार्य है वो ठीक करा दीजिए, ऐसे चिल्लाने से या अकड़ करने से कोई काम नहीं चलेगा, आपका काम तो करने से चलता है, आइएगा इन लोगों के बीच में और इस काम को करिएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, मेरी आप सभी साथियों से अपील रहेगी कि खबर को शेयर करिएगा, और सरपंच से भी गुजारिश रहेगी जल्दी से जल्दी इसको जो है गली को नाली को जो है इनकी टूटी है इसको बनाइएगा, ताकि ये लोग फिर आप पर कहीं ना कहीं विश्वास कर सके। हमारी कोई नाराज की नहीं, आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये कह रहे हैं, गांव की जो जो समस्या है ना, मेरे से कोई उसकी पर्सनल दुश्मनी होगी वो उसकी अपनी सोच है,
ठीक है, बाकी मेरी उससे कोई वो नहीं है बिल्कुल भी। जो गांव की कुछ भी समस्या होगी मैं ऐसे ही बोल लूंगा, चाहे मेरे को सस्पेंड करा दे चाहे कुछ मर्जी करा दे, ठीक है, लेकिन गांव की समस्याओं के लिए ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं है भाई 5 साल के लिए बना दिए तो कोई वो नहीं है, जो एक बार बना दिया ना तो उसके लिए बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कोई भी समस्या। मैं तो ऐसे ही बोलता रहूंगा और गाँव की समस्या से आपको अवगत कराता रहूंगा सर। बस जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। कौन से वार्ड से मैम? वार्ड नंबर 3 से विकास अनूप सुरेश पाल जी। जी तो आप देख सकते हैं और भी यहाँ पर अंकल जी हैं। जी जी जी, ये तो मेंबर अंकल जी, ये गली ठीक है नाली ये टूटी हुई है जो ना ठीक तो नहीं है, ऐसे क्या हो गए बिल्डिंग ऐसे ही बन जाते हैं आजकल। बैठ जी, क्या कहना चाहोगे सरपंच को, क्या कहना चाहोगे? ये कहेंगे इतना बड़ा अर्बन नीति है। जी 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 जी, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे बदरपुर गाँव से, खबर को शेयर करिएगा, धन्यवाद।